हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय आईटी चैनल एसपीटी 999। आज के इस लेक्चर में हम लोग बफर मेमोरी के बारे में समझने वाले हैं। बफर मेमोरी इज द रिजर्व एरिया ऑफ द रैम दैट इज यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ पीसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, और यू कैन से बाइट्स और बिट्स। सो आप लोग जानते हैं कि रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी है और मेन मेमोरी कहलाती है। तो आपकी स्क्रीन पर जो कुछ भी प्ले हो रहा होता है वो सब कुछ रैम पे चल रहा होता है। तो जैसे कि आप पेन ड्राइव लगाते हैं या फिर इंटरनेट चल रहा है, तो इंटरनेट से कोई डेटा आपके सिस्टम पे रन हो रहा है या डाउनलोड हो रहा है, तो सिस्टम पे कोई भी डेटा एक्सटर्नल सोर्सेज से जब आता है तो वो सबसे पहले रैम पे किसी एक स्पेशल एरिया में कलेक्ट होता है। क्योंकि जो डेटा ट्रांसफ़र होकर के आता है वो बिट्स के फॉर्म पर आता है, छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म पर आता है, या बाइट्स के फॉर्म पर आता है आप कह सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपकी एक फाइल 1 GB की है और 1 GB का डेटा ट्रांसफ़र होकर इंटरनेट से या किसी भी डिवाइस से आपके सिस्टम पे आया, तो जब ट्रांसफ़र होकर आपके सिस्टम पे आएगा, वो सपोज इंटरनेट से ही आ रहा है, तो क्या 1 GB की फाइल या डेटा एक बार में आ जाएगा? नहीं। बिट्स या बाइट्स या किलोबाइट्स, जो भी सिस्टम की स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो रैम को डेटा यूज़ करने के लिए एक पार्टिकुलर साइज़ चाहिए होता है, जो साइज़ एक बार में ट्रांसफ़र होकर नहीं आ पाता है, तो उसे रैम अपने स्पेशल एरिया जिसे बफर मेमोरी कहते हैं वहाँ पे कलेक्ट करती है, और उसके बाद जब पार्टिकुलर अमाउंट इकट्ठा हो जाता है तो उसे आगे करके प्ले कर देती है। जैसे यहाँ पे देखिए, कोई अदर सोर्स से आपकी रैम पे कोई डेटा आ रहा है, तो ये पूरी रैम मेमोरी है जिसका ये स्पेशल एरिया है जिसे हम बफर या बफर मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ पे बाइट्स या बिट्स कलेक्ट होते हैं, उसके बाद जब पर्टिकुलर अमाउंट इकट्ठा हो जाता है डेटा का, तो उसे मेन एरिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। तो इस एरिया को बफर मेमोरी कहते हैं। तो इसके एग्जांपल के तौर पे आपने जब इंटरनेट चलाया होगा और उस पर वीडियो देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि वीडियो बीच में रुक जाता है, तो हम लोग अक्सर बोलते हैं कि बफरिंग हो रही है। तो एक्चुअल में इसका मीनिंग यही होता है कि जितना डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र होकर बफर मेमोरी में आया उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया और वो रन हो गया। तो अगर इंटरनेट की स्पीड डाउन है या आपके सिस्टम की स्पीड डाउन है, तो प्रॉपर स्पीड में डेटा कलेक्ट होकर के यहाँ तक नहीं आ पाता। कलेक्ट हुआ, आया, और दोबारा आने के लिए यहाँ पे कलेक्शन नहीं हो पाता है, तो ये रुक जाता है। और फिर जब कलेक्शन हो जाता है तो फिर वापस डेटा आ जाता है। अगर स्पीड प्रॉपर रहे इंटरनेट की और सिस्टम की, तो डेटा आता जाता है और यहाँ पे ट्रांसफ़र होता जाता है। तो कलेक्शन भी स्पीड में होता है और ट्रांसफ़र होकर के यहाँ रनिंग भी बराबर होती रहती है, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता है। लेकिन अगर स्पीड डाउन है तो फिर यहाँ पे बीच में ये रुकने लग जाता है, जिसे हम लोग बफरिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा टॉपिक था बफर मेमोरी। आज के इस लेक्चर में इतना ही। सो लाइक इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।